अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उर्दू इलेक्ट्रिशियन बिलाल मोटरसाइकिल CD70 या 125 की ये ग्रिप किस तरह चेंज करते हैं और इसे कनेक्शन कैसे करते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि इसकी ग्रिप चेंज करने का तरीका का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये हम 8 की टी इसको लगेगी, ये 8 का नट है इसका, ये हम खोलेंगे इसको इधर से, और ये एक नीचे लगा हुआ है, ये दोनों नट खोल के हम आपको आगे बताएंगे जी। तो दोस्तों ये हमने ग्रिप उतार ली है, तो अब हम इसको फिट करेंगे इसके साथ और उसके कनेक्शन करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कनेक्शन करने का तरीका, कनेक्शन किस तरह करते हैं। और इसको इस तरह लगा के इसको बिठा के इधर एक नट इधर लग जाता है और एक नट इसके नीचे लगता है इधर ये, तो अब हम इसको जी। तो दोस्तों अब हमने ये इसके साथ हैंडल के साथ बिल्कुल फिट कर दिए ये ग्रिप, अब हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे कि कनेक्शन किस तरह करते हैं। ये ग्रिप बिल्कुल फारग हो गई है, ये इसको हम निकाल के बाहर कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉर्न का बटन जो है ख़राब हो जाए इसको कैसे रिपेयर करते हैं। इसको रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका है, तो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। तो दोस्तों ये देखो, इसकी ये एक येलो कलर की तार है पीले रंग की, इनका जो कड़ा कॉयल जो होता है मैग्नेट कड़ा जिस कहते हैं, उसके करंट जो बनाता है ये उसकी तार होती है ये वाली, जिसमें मैग्नेट कड़े से जो तार आई होती है ये पीले रंग की, ये हेडलाइट को करंट देता है और इसकी वजह से ये हेडलाइट हमारी चलती है इसको हम। तो दोस्तों ये पीली तार का कनेक्शन करने के बाद ये दो तारे जो हैं, एक नीले कलर की और एक सफ़ेद कलर की, दो तारे होती हैं ये हेडलाइट की तारे होती हैं, ये दो कनेक्शन जो हैं। तो उसके बाद इसका बटन ऑन कर दिया, अब हम चेक करेंगे कि इसमें करंट आया है कि नहीं। अब इसमें करंट आ गया है, अब इसकी जो सफ़ेद तार है, इसकी जो सफ़ेद तार वो हम चेक करेंगे कि इसमें भी करंट आया कि नहीं। ये जैसे ये अभी पहले फुल भी थी, अभी हम इसको डैम पे कर देते हैं, तो ये देखें दोनों में करंट आ चुका है। इसकी इस हमें ये पता लगा कि हमारी हेडलाइट के कनेक्शन ओके। अब इसकी बारी आ गई है कि इशारे जो हैं वो किस तरह का कनेक्शन करेंगे इनके। तो इसमें इशारे की तीन कलर की तारें हैं, एक ये स्लेटी कलर है इसका, ये देखें ग्रे कलर जिसे कहते हैं, और एक ब्लू कलर ही है आसमानी रंग जिसे कहते हैं, नीला नहीं डार्क ब्लू, इसमें दो कलर आते हैं नीले रंग के। एक तेज़ रंग जो है वो हेडलाइट के बल्ब के साथ लगती है, और जो हल्का रंग है नीला वो जो है इशारे के साथ, और इसके साथ एक मल्टी कलर की तार है ऑरेंज कलर की। ये तीन तारे जो हैं ये इशारों की कनेक्शन की हैं। अब हम इसमें इशारे कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ग्रे कलर की जो तार है इसकी चाबी स्विच के साथ जो है ना कनेक्शन कर लेंगे, चाबी स्विच की तार के साथ। ये चाबी स्विच की काली तार के साथ कनेक्शन आया हुआ है, ये देखिए लगा दिया। तो अब हम इसमें ये लाइट लगी हुई है, इशारे तो इन्होंने ख़त्म किए हुए हैं, तो ये लाइट हम चला के चेक करेंगे कि ये लाइट आई ऑन हुई है कि नहीं। तो जैसे इसके एक तार के साथ हमने ये तार लगा दी, तो जैसे इसको अगर करेंगे इस तरह तो ये हमारी लाइट ऑन हो गई है। तो अभी इस साइड का जो इशारा है, इस साइड का जो इशारा है हम इसकी कनेक्शन करेंगे। तो अभी ये देखें, तो अब हमने इसको इधर कर लिया, अभी इसके तार जो है हल्के नीले रंग की जो तार है, हल्के नीले रंग की तार, इसको हम दोबारा इसकी ये तार निकाल के इधर इसके साथ लगाएंगे, ये देखें। तो मैन जो है कनेक्शन, ये ग्रे कलर की जो तार है ये कनेक्शन देती है, करंट देती है आगे, और दोनों तरफ इशारों को करंट मिलना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके हॉर्न का कनेक्शन करना सीखते हैं। हॉर्न के ये दो तारे होती हैं, एक फरोजे कलर की हल्का ग्रीन जो होते हैं हल्का ग्रीन,
और एक ब्लैक कलर की तार है इसकी, ये देखें ब्लैक कलर की तार है और ये हल्का ग्रीन है। तो इसका कनेक्शन करने का तरीकाकार ये है कि इसको जो काला रंग की तार है, ये बैटरी जो चाबी स्विच की जो काली तार आती है ना, चाबी स्विच की, उसकी काली तार में इस तरह हम लगा देंगे एक तार, ये लगा के तो इसका करंट जो है अभी इसमें आ गया। अभी हम इसको चेक करते हैं, बटन के साथ चेक करेंगे कि ये चलती है कि नहीं। तो अब हम इसको बटन के साथ चेक करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास बटन है, तो बटन के साथ अब हम इसको बटन में दबाएंगे तो ये हमारी ये वाली लाइट जो LED लाइट है ये ग्लो करना शुरू कर देंगे। तो इसको हम टेस्टर के साथ भी चेक कर लेंगे, इसका ये कनेक्शन करने का तरीका कार ये है। ये बटन दबाएंगे आप,